नमस्ते, मैं वैद्य पीयूष भट्ट। आज हम अष्टांग प्रोडक्शन करेंगे। अष्टांग संहिता, इसका किस प्रकार, इसके बारे में छोटी जानकारी आपको पहले ही दे अच्छा रहेगा। अष्टांग हृदय संहिता जो है वो 9th सेंचुरी में महर्षि वाग्भट द्वारा लिखी गई थी। अष्टांग हृदय संहिता क्यों लिखनी पड़ी, इसके बारे में छोटा सा जो है वो विचार यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो आयुर्वेद के नाम से संहिता लिखी गई थी उसका नाम था ब्रह्म संहिता। ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित थी। इस संहिता में 1 श्लोक थे। उसके बाद में अन्य भी बहुत सारी संहिताएं इसके बाद में लिखी गई जो कि काफ़ी विस्तृत थी, विस्तार में थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद में इन सब संहिताओं का प्रचलन कम हो गया। हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। जो भी एजुकेशन आज तक फॉर्मल एजुकेशन हुआ है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही हुआ है, क्योंकि पहले कोई इंक नहीं था, कोई पेपर नहीं था, तो एजुकेशन होता था वो गुरु से शिष्य को पास ऑन होता था। और गुरु से शिष्य को पास ऑन होने का ये था कि गुरु जो कहते थे शिष्य उसे सुनता था, और शिष्य उसे सुनने के बाद में उसी पर विचार मनन करता, और वापस से दूसरे दिन यही सेशन हर रोज़ रिपीट होता था। और जो भी प्रैक्टिकल होते थे वो गुरु की देखरेख में ही होते थे। तो कुछ चीज़ें बोल के और कुछ चीज़ें डायरेक्टली सीखा के वो एजुकेशन पास ऑन होता था। लेकिन इन्वेस्ट की वजह से ये परंपरा है वो टूट गई, या इसे लोग कंटिन्यू नहीं कर सके। तो हमारे भारत में जो विद्वान होते थे ऋषि कहा जाता था, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होता, महर्षि। तो इसी प्रकार हमारे भारत में सप्त ऋषि हो गए, 7 महान ऋषि, सप्त महान। इनके अलावा भी महर्षि, लेकिन 7 मुख्य है, प्रमुख है। उसमें ऋषि अत्रेय एक है। आप चरक संहिता में जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको चलेगा कि उसमें महर्षि अत्रेय और शिष्य अग्निवेश का संवाद है। यानी कि महर्षि अत्रेय को अग्निवेश, जो उनके शिष्य हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अग्निवेश आंसर कर रहे हैं। पूरा संहिता जो है वो आंसर फॉर्मेट में है। अष्टांग संहिता भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान धन्वंतरी और उनका शिष्य दूसरे को प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अष्टांग जो है संहिता प्रश्नों में है, क्योंकि ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का मिलन रूप है। ये संहिता नहीं, लेकिन तो चरक सेकंड के आसपास लिखी गई, ऐसा इतिहासकार है। संहिता एक बहुत बड़ी विशाल संहिता है। उसमें अग्निवेश को अग्निवेश तंत्र के नाम से फेमस है। महर्षि अत्रेय ने जब एजुकेशन सारा एजुकेशन अग्निवेश किया, तो अग्निवेश ने और उनके साथ जो और भी शिष्य थे उनके, उन्होंने सबने अपनी संहिता लिखी। में से सबसे अच्छी था अग्निवेश ने, इसलिए उसको अग्निवेश तंत्र नाम दिया। समय के अंतराल में अग्निवेश संहिता जो लुप्त तो होने लगी, कुछ भाग उसका नष्ट हो गया, कुछ भाग इन्वेंशन की वजह से जो है वो लुप्त तो हो गया, कुछ भाग आगे ही नहीं बढ़ा, कुछ भाग खो गया। तो उस अग्निवेश तंत्र को वापस से चरक ने जो है वो प्रति संस्कार और चरक संहिता बनाई। चरक संहिता भी जो है समय अंतराल से उसी खंडित हो गई, थोड़ा सा उसमें से भाग गायब हो गया, थोड़ा सा भाग आसान नहीं हुआ। तो उसे दुर्बल नाम के व्यक्ति ने वापस जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण की। और इस प्रकार से अभी जो प्रेजेंट चरक संहिता है वो इस फॉर्म अपने चरक संहिता की अगर आप देखोगे तो वो बहुत बड़ी, उसमें आयुर्वेद का प्रधान काय चिकित्सा है, उसका वर्णन है। और आप एक जीवन काल में संहिता पूरी नहीं समझ सकते। वैसे ही सुश्रुत संहिता भी इतनी ही वास्ट है, वो सर्जरी के लिए स्पेशलाइज संहिता है। तो 9th सेंचुरी के आसपास जब महर्षि वाग्भट आयुर्वेद प्रैक्टिस करने लगे, तो उनको ये समझ में आया कि बच्चों के लिए एक संहिताओं का एक जीवन पढ़ पाना संभव ही नहीं है। तो अगर जो काय चिकित्सा पढ़ेगा, जो चरक संहिता पढ़ता है, वो संहिता में दिए हुए बीमारी कभी जान नहीं पाएगा, और जो सुश्रुत संहिता पड़ेगा
वो आयुर्वेद चरक संहिता में दी हुई बीमारी कभी जान नहीं पाएगा। तो इसलिए दोनों की मिली जुली एक संहिता का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी उस समय बहुत सारी संहिताएं थी, बाल रोग संहिता थी, स्त्री रोग पे अलग संहिता है, तो उनका भी वाग्भट में समावेश किया हुआ है। तो 9th century में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ये वाग्भट जी ने लिखा, तो इसमें उन्होंने किया कि सारे मुद्दे चरक से और सारे मुद्दे शुश्रु से मिला के एक संहिता बनाए। लेकिन ये संहिता इतनी बड़ी हो गई कि उसके भी एक लाइफ टाइम में पढ़ पाना संभव नहीं था। तो इसके उन्होंने फिर संहिता लिखी, नाम था अष्टांग। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टांग संग्रह वाग्भट ने लिखी, अष्टांग हृदय उनके पोते ने लिखी, जो जिनका नाम वाग्भट। दोनों ही बातें इतिहास का मानना है, लेकिन अष्टांग हृदय जो है वो अष्टांग संग्रह के ऊपर एक हैंडबुक। अगर आपको अष्टांग हृदय संग्रह समझना है तो अष्टांग हृदय आपके पास होनी चाहिए, तो आपको अष्टांग संग्रह जल्दी से समझ जाएगा। अभी आपको NCERTM के अनुसार सिलेबस में जो है वो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान है। सूत्र स्थान क्यों है? क्योंकि संहिता का जो सूत्र स्थान है उसमें कुछ टॉपिक जो है वो इधर उधर लिखे हुए और कुछ टॉपिक जो है वो और आगे लिखे हुए, तो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। शुश्रु संहिता की यही हाल है। तो अष्टांग हृदय में जो सूत्र स्थान लिखा गया है, जिस प्रकार से लिखा गया है, उसका सीक्वेंस जो है एकदम परफेक्ट है, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में कभी ब्रेक नहीं है। और सारे जो है वो इतने प्रॉपर तरीके से लिंक करके लिखे है कि उसकी भी पढ़ेगा, आयुर्वेद वाले ही नहीं, कोई भी मान अगर उसे पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसी अष्टांग हृदय का स्थान बहुत है, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा गया है और वो पूरी की पूरी पोएटिक फॉर्म है, इसलिए उसे याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ऊपर से अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है वो रहस्य स्थान है, क्योंकि उस रहस्य रूप से वो सारी बातें लिखी गई है। अपन जैसे पजल करते हैं तो वैसे ही पजल सॉल्विंग का मेथड जो है वो हृदय का है। तो सूत्रस्थान पढ़ने में हमें और इंटरेस्ट आता है संहिता पढ़ने के लिए, तो हम आगे की संहिता पढ़ते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अष्टांग हृदय जो लिखी गई है उसका एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें, जैसे चरक में कुछ चीज़ें बहुत विस्तार से लिखी है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी ही लिखती है, कुछ चीज़ों का ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है। अष्टांग हृदय में ऐसा नहीं है। अष्टांग जो सही सूत्रस्थान है, जो संहिता लिखी गई है वो इस प्रकार लिखी गई है कि उसमें ना ज़्यादा लिखा गया है, कम लिखा गया है, जितना समझ में आ जाए कुछ शब्दों में उतना ही लिखा गया है। संहिताओं को फॉर्म में लिखने का एक और बेनिफिट ये है कि वो जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर राइमिंग्स होते हैं। तो इसलिए भी अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हमें याद हो जाता है। और अष्टांग हृदय, इसमें हृदय शब्द ये पूरे आयुर्वेद का सार भाग है, एसेंस है, इसीलिए उसको हृदय से कहते हैं। और आयुर्वेद खाली काय चिकित्सा का ही नहीं, खाली शल्य का नहीं, तो आठों अंगों का, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरावशन, इस प्रकार आठों ब्रांचेस का उसमें जो है वो एसेंस है, इसलिए उसको अष्टांग हृदय कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में हृदय जो होता है, हमारा शरीर चलता है, वैसे ही ये अष्टांग हृदय होता है, जिससे शरीर आ सकते अष्टांग सीखने के लिए सबसे चीज़ है कि आपको संहिता वाचन आना चाहिए। ये लेक्चर सीरीज में हम यही सीखेंगे आपको कि संहिता वाचन कैसे करना है। संहिता का ट्रांसलेशन तो आप पढ़ के आप समझ लोगे कि क्या है उसमें, लेकिन संहिता पढ़ने की अपनी एक तरीके होती है, एक टेक्निक होती है जो तंत्र लगा के पढ़नी होती है। अर्थशः वाक्यार्थशः, इस प्रकार से वाक्य को तोड़ के कैसे को जोड़ना है, वहाँ पे कौन सा छंद उपयोग किया गया है, इस प्रकार की कुछ रहस्यमय बातें जो आपको ट्रांसलेशन पढ़ के कभी समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें आपको जो है वो आगे प्रैक्टिस में भी मदद करती है। क्योंकि अगर आपको यूजर्स मैनुअल पता है तो आपको कोई भी मशीन चलाना, वैसे ही अगर आप संहिता का वाचन करना आता है तो आयुर्वेद में जो भी आयुर्वेद का अर्थ लिखा हुआ है सही तरीके से ले सकते हैं, तो प्रैक्टिस में आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर चला है तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है जान लेना ये संहिताओं के बारे में। अष्टांग हृदय
के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, साउथ में अष्टांग हृदय को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आपने स्टार्टिंग के 15 अध्याय अगर अष्टांग अच्छे से पढ़ लिए तो आप वैद्य बन जाते हैं, और ये सत्य भी है क्योंकि उसको इतने रहस्यमय तरीके से लिखा गया है कि अगर आप प्रॉपरली पहले 15 ही अष्टांग हृदय के पढ़ते हो तो आप आधे वैद्य बन जाते हो। अष्टांग हृदय संहिता जो उसे पढ़ने के कुछ कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अष्टांग हृदय संहिता वैसी ही संहिता 9th century उसके बाद में संहिता क्यों नहीं लिखी गई, ऐसा कभी कभी फर्स्ट ईयर के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। एक कारण ये होता है कि अष्टांग संहिता जो है और हम जूनियर्स को ये कौन सी बुक पढ़ने की सबसे अच्छी समझ में कोई बता, वैसे ही जूनियर्स बच्चे अपने जूनियर को और जूनियर्स अपने जूनियर बताते हैं। तो अष्टांग हृदय पढ़ने के बाद जब उन्होंने उस समय पढ़ना चाहा तो उन्होंने अपने आने वाले जूनियर्स को यही किया कि आप यही बुक पढ़िए, दूसरा कुछ पढ़िए, इसलिए भी जो है वो अष्टांग हृदय पास ऑन होते थे और आज तक हो रही है। चरक संहिता बहुत हार्ड है समझने के लिए, सुश्रुत संहिता भी की संस्कृत भी इतनी ही हार्ड है, लेकिन अष्टांग हृदय की संस्कृत बहुत, इसलिए भी जो है वो अच्छी चीज़ें ही हमेशा पास ऑन होती है, इसलिए अष्टांग हृदय संहिता आज अपने सामने है। दूसरी संहिता अष्टांग हृदय संहिता के बाद लिखी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी गई, योग रत्न प्रकाश वंशसेन संहिता बहुत सारी, लेकिन किसी की भी लैंग्वेज अष्टांग हृदय जितनी सिंपल नहीं थी, किसी का भी संहिता लिखने का ढंग इतना स्पष्ट नहीं था जितना अष्टांग हृदय का, इसीलिए उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सका। दूसरा ये कि वाग्भट जी का रहस्य बनाने का तरीका, पजल बनाने की एक टेक्निक दूसरे किसी संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, इतना बुद्धि शायद उनमें ही रहा होगा, इसकी वजह से भी जो है वो अष्टांग हृदय फेमस रही। अष्टांग हृदय का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है कि अष्टांग हृदय संहिता पढ़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आयुर्वेद के 8 अंगों का ज्ञान इस संहिता को पढ़ के कर सकते हो। अगर आप दूसरी संहिताएं पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, आपको सिर्फ सर्जरी का दृष्टिकोण मिलेगा, चरक संहिता पढ़ते हैं तो आपको चिकित्सा का दृष्टिकोण मिलेगा, लेकिन अष्टांग हृदय पढ़ते हैं आपको 8 अंगों का दृष्टिकोण होता है वो आपको समझ आएगा, इसलिए अष्टांग हृदय पढ़ना। सिलेबस में CSM के अनुसार अष्टांग हृदय स्टार्टिंग के जो है वो 13 चैप्टर है, तो चरक संहिता के भी जो है वो 12 चैप्टर सूत्र स्थान के, ऐसे करके संहिता का पठन हम करेंगे। अष्टांग हृदय और चरक संहिता को कंपैरेटिवली पढ़ने में ज़्यादा आता है। इस लेक्चर सीरीज में हम अष्टांग हृदय तो साथ में और चरक संहिता के भी जहाँ पे रेफरेंस को लगेंगे तो हम क्वेश्चन करके देखेंगे कहाँ क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अष्टांग एक सबसे ज़्यादा ये है उसे उसका सही मतलब अपने को बताना, क्योंकि वो एक पोएट के पोएम के जैसे लिखी है, तो पोएम के जैसे लिखने में क्या है कि हम ऐसे कंसेप्टली उल्टा मतलब निकाल के भी लिख लेते हैं, सीधा मतलब निकाल के भी लिख लेते हैं, कहीं चीज़ों पे अपने को सोचना पड़ता है कि यहाँ पे पोएट ने ऐसा क्यों लिखा है। तो ये अगर आप संहिता वाचन के द्वारा ही समझ सकते हैं, डायरेक्ट आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसे कैसे लॉजिक लगा के यहाँ पे लिख दिया है। इस सीरीज़ में हम आपको यही सिखाएंगे कि संहिता का वाचन कैसे करना है, संहिताओं में जो श्लोक लिखे गए उसे तोड़ के जो मतलब ओरिजिनल मतलब है जो अपने को प्रैक्टिस में काम आएगा ये है वो अपने को इसमें से निकालना है, वो कैसे निकालना है आप भी निकाल सकते हो। ये लेक्चर सीरीज लेने के बाद आप खुद भी संहिता का बिना किसी की मदद के साथ करोगे। धन्यवाद।